पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से जिस चीज की उम्मीद की जा रही थी वो उस पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कश्मीर और भारतीय मुसलमानों का राग अलापा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच का नाजायज फायदा उठाकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए। ये कितनी अजीब बात है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए नरक बन चुके पाकिस्तान को अब भारत के मुसलमानों की चिंता सता रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, हिजाब पर पाबंदी लगाई जाती है, मस्जिदों पर हमले किए जाते हैं। हैरानी की बात देखिए कि शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत में मस्जिदों पर हमले होते हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ही आए दिनों मस्जिदों पर हमलों की खबर आती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मस्जिदों पर बम धमाके आम हो चुके हैं, सैकड़ों मुसलमान इन बम धमाकों में मारे जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को संयुक्त राष्ट्र में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। वो शायद ये भी भूल गए कि किस तरह से पाकिस्तान और सुन्नी बहुल देशों में शिया मुसलमानों और अहमदिया मुसलमानों के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान को चिंता तो भारत के मुसलमानों की है। शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र को ये बताना भूल गए कि पाकिस्तान में किस तरह से रोजाना हिंदू मंदिरों पर हमले किए जाते हैं, वहां तोड़फोड़ मचाई जाती है, लूटपाट की जाती है। मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी मंदिरों को तोड़ते हैं, लेकिन यही मंदिर अब बाढ़ के वक्त पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में झूठ बोलकर निकल जाए और भारत उसकी धज्जियां ना उड़ाए, ऐसा हो नहीं सकता। भारत ने भी बिना समय बर्बाद किए पाकिस्तान को धो दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की तरफ से पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की हजारों युवा महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है, तो हम इस बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं।